ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी के ऐलान पर कहा कि आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी का ऐलान करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अभी भी चुनाव में कई चरण बाकी है। मैंने अभी इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों के साथ इस पर चर्चा नहीं की है। केजरीवाल ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि गारंटी लागू हो। 10 गारंटी देश में 24 घंटे बिजली, गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल सुविधाएं और साथ ही अस्पताल देंगे। हर गांव हर मोहल्ले में क्लिनिक खोली जाएगी। हमारी चौथी गारंटी है राष्ट्र सर्वोपरि। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार इससे इनकार कर रही है। हमारी सेना में बहुत ताकत है। देश की जितनी भी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उसे मुफ्त कराया जाएगा। इसके लिए यहां तक कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। वहीं सेना को इस संबंध में जो भी कदम उठाना हो उसे उठाने की पूरी आजादी दी जाएगी। अग्निवीर योजना वापस ले ली जाएगी। हमारी छठी गारंटी किसानों के लिए है। तो वहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उनकी फसल का MSP के आधार पर पूरा दाम दिलाया जाएगा। हमारी सातवीं गारंटी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। हमारी आठवीं गारंटी है बेरोजगारी, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। हमारी नौवीं गारंटी है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। व्यापारियों के लिए हमारी दसवीं और आखिरी गारंटी है GST को PMLA से बाहर कर दिया जाएगा। तो वहीं GST का सरलीकरण किया जाएगा। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है, लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का जमाना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसकी हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की, वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बन के जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।